दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल एकेडमी रीवा। रीवा के मार्थन हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के प्राचार्य के खिलाफ छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि प्राचार्य के द्वारा छात्रा के मोबाइल में अश्लील बात करते हुए लोकलाज का भय दिखाकर अश्लील हरकतें करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की गई थी। वहीं स्कूल के प्राचार्य अमरेश सिंह को जाँच टीम के द्वारा जाँच प्रतिवेदन देने के बाद निलंबित कर दिया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने भी निर्देश दिया था कि उक्त मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध किया जाए। वहीं छात्रा की शिकायत पर जहां प्राचार्य अमरेश सिंह के खिलाफ 504, 506, 354, 451 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि प्राचार्य द्वारा धमकी देते हुए अश्लील बातें की गई थी, जिसका ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। छात्रा के साथ अश्लील बातें, ब्लैकमेलिंग के ऑडियो वायरल में दोषी पाए गए प्राचार्य को न सिर्फ आयुक्त लोक शिक्षण ने निलंबित कर दिया, बल्कि पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन की पहल पर विश्वविद्यालय थाने में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। वहीं अब प्राचार्य को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। आइए सुनाते हैं, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूरे मामले में क्या जानकारी दी है। एक कंप्लेंट की थी कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उनसे फोन पर इस प्रकार का वार्तालाप किया जा रहा है। उसके पश्चात कल थाना विश्वविद्यालय में FIR पंजीबद्ध कर ली गई है और जैसा कि आपको जानकारी में है, उन पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है और वो निलंबित भी हो गए हैं। तो इस प्रकार पुलिस ने भी अपनी विवेचना प्रारंभ कर दी है और वही कार्रवाई भी प्रारंभ तो हो चुकी है। उनके ऊपर 354, 506, 509 इत्यादि धाराओं में कायमी की गई है। देखा जा रहा है जो आईडी वायरल हुआ तो उसमें एक और व्यक्ति का भी नाम उसमें आ रहा है, तो उसमें भी अभी हम ऑडियो उनसे हमने जो प्राप्त किया है उसका उसको सुन के उसके पश्चात उनके स्टेटमेंट होंगे। ऑडियो को सुन के अन्य कोई भी अगर व्यक्ति उसमें सहयोगी पाया जाता है तो विवेचना में उस पर भी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। अभी हमारी टीम उनकी लगी हुई है, उनकी अरेस्टिंग भी हमारे द्वारा अतिशीघ्र कर ली जाएगी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।